सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज़ दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाए। Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। Speaker sir, the question is not how efficiently the house is run. The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this house. आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा ना हो। मैं सदन में पहली बार आया हूं, ये नए सदन में। मुझे लगा कि हमारे स्पीकर की कुर्सी बहुत ऊंची होगी। जहां ये नया सदन है, वही मैं आपकी पीठ के पीछे देख रहा हूं। पत्थर तो सही लगे हैं, सब कुछ अच्छा लगा है, लेकिन कुछ दरार में मुझे कुछ सीमेंट अभी भी लगा दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र यादव और आप देख रहे हैं द पब्लिक एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 18वीं लोकसभा के स्पीकर का चुनाव ध्वनि मत से पास हो गया, जिसमें एनडीए प्रत्याशी और बीजेपी सांसद ओम बिड़ला की जीत हुई। ओम बिड़ला लगातार दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर बने। 17वीं लोकसभा में भी ओम बिड़ला ही सर्वसम्मत से स्पीकर बने थे, लेकिन इस बार चुनाव के जरिए जीत कर वह सदन के अध्यक्ष बने हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा नेता विपक्ष राहुल गांधी, सांसद अखिलेश यादव ने भी उन्हें बधाई दी। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने स्पीकर निर्वाचित होने पर ओम बिरला को बधाई दी। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष सरकार के साथ सहयोग करना चाहता है, सरकार के पास पॉलिटिकल पावर ज़्यादा है, लेकिन विपक्ष भी भारत का प्रतिनिधित्व करता है। राहुल गांधी ने कहा कि हमें भरोसा है कि आप हमारी आवाज़ उठाने देंगे। विपक्ष की आवाज़ दबाना अलोकतांत्रिक है, विपक्ष आपकी मदद करेगा। राहुल गांधी ने कहा कि आप से उम्मीद यह है कि आप भी विपक्ष की आवाज़ को विस्तार देने के साथ ही संविधान की रक्षा में हमारा साथ देंगे। राहुल गांधी ने अपना पूरा भाषण अंग्रेजी में दिया। वहीं राहुल गांधी के बाद समाजवादी पार्टी के नेता और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने ओम बिड़ला को स्पीकर चुने जाने पर बधाई दी। अखिलेश यादव ने कहा कि निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। उम्मीद है कि लोकसभा स्पीकर के रूप में आप सभी को बराबर का मौका देंगे। उन्होंने हंसते हुए तंज कसते हुए कहा कि आपका अंकुश विपक्ष पर तो रहता ही है, आपका अंकुश सत्ता पक्ष पर भी रहे। अखिलेश ने स्पीकर ओम बिड़ला के लिए बड़ा बयान देते हुए कहा कि उम्मीद है कि आपके इशारे पर सदन चले और इसका उल्टा न हो। उनके कहने का इशारा साफ था कि किसी और का मतलब सत्ता पक्ष की मनमानी से। आगे अखिलेश यादव ने कहा कि किसी भी जनप्रतिनिधि का निष्कासन जैसा न हो। लोकसभा सदन में किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज नहीं दबाई जानी चाहिए। ओम बिड़ला के लिए अखिलेश यादव ने कहा कि आपकी कुर्सी लोकतंत्र के मुख्य न्यायाधीश की तरह है। इस तरह से तंज भरे अंदाज में अखिलेश यादव यह सब बातें कह रहे थे। सत्ता पक्ष खामोश था। खुद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह सहित पूरा सत्ता पक्ष उन्हें टकटकी लगाए देख रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि तारीफ कर रहे हैं या ताने मार रहे हैं। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने इस दौरान स्पीकर ओम बिड़ला पर एक और तंज कस दिया और कहा कि मुझे लगा कि सदन
में स्पीकर की कुर्सी ऊंची होगी। मैं किससे कहूं कि सदन की कुर्सी और ऊंची हो जाए? जहां ये नया सदन है वहीं मैं आपकी पीठ के पीछे देख रहा हूं, पत्थर सही लगे हैं लेकिन कुछ दरार है, मुझे कुछ सीमेंट लगा दिखाई दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है आप जितना सत्ता पक्ष का सम्मान करेंगे उतना ही विपक्ष का सम्मान करके हमें अपनी बात रखने का मौका देंगे। इस खबर में इतना ही। वैसे इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।